जी लाइफ कंपनी के विरोध में आज किया गया धरना प्रदर्शन और दिया गया ज्ञापन। बता दें कि जी लाइफ कंपनी के नाम से पहले ही आपराधिक मुकदमा दर्ज है। कंपनी के संचालक गुना एवं आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इनको पकड़ा नहीं जा सका है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द इनको पकड़कर कंपनी में जमा किया गया पैसा सभी लोगों को वापस किया जाए। इस प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। निवासी सहारनपुर कसौटी है और गुना के रहने वाले उक्त कंपनी के डायरेक्टर एच प्रसाद शर्मा पुत्र भगवान दास शर्मा निवासी गुलाबगंज के सर्वित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन इकाई गुना द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन रखा गया, जिसमें 2010 में जी लाइफ इंडिया डेवलपर एंड कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, ग्रीन वेयर डेवलपर एंड कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, जो इसकी शाखा गुना में खोला गया था, इसके मुख्य जो आरोपी हैं, जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, कंपनी का संचालक मंडल है, वो पचोर, सहारनपुर और गुना के ही हैं। और यह कंपनी तमाम लुभावनी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों को पैसा जमा करवाया और समय पूर्ण अवधि को होने के पश्चात जो पैसा वापस करना थी उस समय कंपनी ने अपने कार्यालय पर ताला लटका कर यहाँ से फरार हो गए हैं। तो हमारी मांग है सर्वित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से कि सभी निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। कंपनी 10 अप्रैल 2018 में एक आंदोलन किया गया था, इसके पश्चात गुना कोतवाली में 11 अप्रैल 2018 को कंपनी पर FIR दर्ज, प्रकरण दर्ज है, जिसका प्रकरण नंबर 266 है। आज यहाँ की प्रशासन ने आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, किसी प्रकार का इनको गिरफ्तार नहीं किए। हमारी मांग है कि कंपनी की जो एसेट्स संपत्ति है उनको नीलाम करके और गरीब निवेशकों को पैसा वापस दिया जाए।